हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू बिनते अनवर व्लॉग्स। होप सो यू ओ गाइस ऑल आर वेल। तो आज की मेरी वीडियो है दुल्हन का ब्यूटी बॉक्स। दुल्हन के ब्यूटी बॉक्स में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं और क्या क्या चीज़ें कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमें रखनी चाहिए, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, इसको ओपन करते हैं। वैसे तो ये पैक करके रखा हुआ था कि अब जी दुल्हन के सामान के साथ ही खोलेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा कि एक वीडियो बना के शेयर कर देते हैं बिनते अनवर व्लॉग्स पे। तो लेट्स सी क्या क्या है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ली हुई हैं। वैसे तो दुल्हन के पास अपनी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने भी मतलब लड़के वालों ने भी तो चीज़ें रखनी होती हैं ना, लेनी होती है दुल्हन की इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्राइमर। प्राइमर जो है वो मेकअप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी पार्ट होता है। तो ये हमारे पास लेट क्रीम का जो है कंसंट्रेट प्राइमर है। प्राइमर जो है ये हमने एक सजेशन के थ्रू लिया है। हमें एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप ये वाला प्राइमर लें, ये वाला प्राइमर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसको हम दुल्हन के अलावा पर्सनली हम आम भी घर में यूज़ करने वाले, हम लोगों ने अपने लिए भी लिया है जी। उसके अलावा हमने लिया है शैम्पू दुल्हन के लिए। इवन तो हमें अच्छे से नहीं, इतना आइडिया नहीं है कि दुल्हन को कौन सा शैम्पू सूट करता है। अब हम पूछते हुए भी अच्छे नहीं लगते कि हम भाई तुम्हारे लिए शैम्पू ले रहे हैं तो कौन सा ले। तो हमें बेस्ट लगा क्योंकि दुल्हन ने अपने बालों में केराटिन वगैरह करवाया हुआ है, तो हमें ये वाला शैम्पू बेस्ट लगा, तो हमने ये वाला शैम्पू ले लिया। अगर उनका सूट किया तो फिर हम इनका एक पूरा जो है बंडल दुल्हन के लिए ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ब्रश पैलेट, नेक्ट का जो है हमारे पास ब्रश पैलेट है। इसमें थोड़ी थोड़ी मैं भी दिख रही हूँ। खैर, यहाँ पे इतने सारे कंपल्सरी ब्रशेज हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं ना वो सारे ब्रश पैलेट है ये हमारे पास नेक्ट का। ओके, इसके अलावा हमारे पास है यहाँ, ये हमारे पास है बेस फाउंडेशन। फाउंडेशन बेस है ये भी, हमने लिफ्ट की है और इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये हमने खुद यूज़ की हुई है, इसलिए हमने ये सोचा कि हम दुल्हन के लिए भी यही लेते हैं। और उसके स्किन टोन के लिहाज से हमने पूछा भी था तो हमें यही सजेस्ट किया कि आप ये वाली ले लें, अच्छी रहती है। और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ हाइलाइटर। मेरे पास ये तीन किस्म के हाइलाइटर्स हैं, जिसमें है ये लाइट ऑफ वाइट सा कलर, उसके बाद डार्क गोल्डन कलर, ये लाइट गोल्डन कलर है। ये बड़े अच्छे लगते हैं हाइलाइटर्स। ये लाइट गोल्डन कलर तो हर जगह पे चल जाता है, हर तरह के मेकअप के साथ चल जाता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ ये एक पैलेट, ब्लश पैलेट। इसमें अब मैं आपको यहाँ से तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, खैर ये ब्रश पैलेट है और इसमें जो है हर तरह के ब्लशेस ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए हमने ये वाला पसंद किया कि मतलब वेदर लाइट लेना चाहो तो इसमें लाइट भी अवेलेबल है, और अगर डार्क ब्लश की ज़रूरत हो दुल्हन को तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें ली हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आई शेडो पैलेट 48, जो इसमें आई शेडोज हैं, आई शेडो कलर्स हैं। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ब्यूटी रिसोर्सेज की तरफ से हमारे पास 48 आई शेडोज का पैलेट है। ये हमारे पास कुछ ऐसे है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे है और इसमें ये सारे आई शेडोज हैं, जिसमें शिमरी आई शेडोज हैं ना, इन शॉर्ट ये सभी बहुत प्यारे कलर्स हैं लुक। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा आई शेडो पैलेट। उसके बाद मतलब पिटारे में से निकालती हूँ, ये हमारे पास यार जो पेन केक होता है ब्यूटी सीक्रेट का, हमारे पास ट्विन केक है फ्लॉलेस लाइट के लिए, मतलब जब बेस वगैरह अप्लाई होती है तो उसके ऊपर ये बाद में सेट करते हैं ना मेकअप को। उससे मैं इतना कोई खास यूज़ नहीं करती, बेसिक चीज़ें यूज़ करती हूँ तो इतना मुझे कोई डीपली आइडिया नहीं है। इसके बाद ये हमारे पास लिप कलर्स हैं कुछ, ये मैं आपको जो है वो ओपन करके अलग से दिखाती हूँ। ये हमारे पास नेल कलर्स हैं, तो डार्क डार्क के लिए हैं, दुल्हन है तो फिर दुल्हन के लिए जो है वो डार्क कलर्स ही दुल्हन को अच्छे लगते हैं, ऐसे तो अच्छे पता चल जाता है जी नहीं ले रही है दुल्हन है। ये हमारे पास कुछ नेल कलर्स हैं प्यारे प्यारे से, ये बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं। इसके अलावा एक लाइट कलर में है ये वाला नेल कलर, दिस वन इज सो ब्यूटीफुल। लास्टली कुछ आइटम्स बच गई हैं, ये हमारे पास मस्कारा है, ये हमने मस्कारा लिया हुआ है वॉल्यूम मस्कारा है, ये मतलब हैवी लैश मस्कारा जो बोलते हैं। ये हमारे पास है जी मैट का लिप ग्लॉस, ये मैं इसका कलर भी आपको दिखाती हूँ जी। ये कुछ पेंसिल्स हैं, जिसमें ये आईब्रो पेंसिल होगी जिसमें ब्लू कलर सॉरी ब्राउन कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, और ये मस्कारा, ये आईलाइनर पेंसिल है, और ये कुछ लिप कलर्स हैं, और ये वॉइस स्प्रे है। इसके अलावा अभी परफ्यूम्स वगैरह हमने भी लेके आने हैं तो वो भी मैं साथ साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी।
ब्यूटी सीक्रेट की तरफ से हमारे पास ब्यूटीफुल सन कलर है। इसके साथ मैंने आपको नील पेंट पे दिखाई हूँ, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कलर इज। तो ऐसे ही बाकी सारे कलर्स हैं, कुछ मैरून है, कुछ रेड है, कुछ लाइट है। हमारे पास मैट का लिप ग्लॉस ये भी ब्यूटी सीक्रेट वालों का ही है, और ये मैट लिप ग्लॉस है। दिस वन इज सो ब्यूटीफुल, अभी तो मतलब इसका ऐसे पता नहीं चलेगा, इसको कभी अप्लाई करके दिखाएंगे तो वो भी आपको इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे। हाँ जी, तो ये सारी आइटम्स थी हमारे ब्यूटी बॉक्स की, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक खुशियों का दिन लेके आए। और आपको अभी हमें इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है जी। ये नहीं, आपने भी डेनवर की भी आवाज़ इसमें सुन लिए, तो और दुआ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।